इसमें है क्या ना, ज़्यादातर पीसीबी में ना वोल्टेज ड्रॉप की समस्या है और कुछ है नहीं इनमें, इसलिए मैं डायरेक्टली एक ही पॉइंट को चेक कर रहा हूँ क्योंकि एक ही पॉइंट पे समस्या सॉल्व हो जा रहा है। बराबर ये 24 वोल्ट आ जा रहा है अपने, जैसे देखते हैं सप्लाई। चौबीस ओके, इसको देख लेते हैं। सेम SR5100 वैल्यू है इसकी, इसके जगह पे हम लगा रहे हैं IN5408। ये तो ब्लास्ट हो रखा है, ये ब्लास्ट हो रखा है, इसका मॉस्फेट चेंज करना पड़ेगा। मॉस्फेट हमारे पास है नहीं फिलहाल में अभी, इसलिए मॉस्फेट वाली साइड में रखते हैं, इस पर बाद में वीडियो बना दूंगा।
इसके डैशबोर्ड भी शॉर्ट हैं। कैपेसिटर भी खुला हुआ है। पहले तो इसको निकालते हैं। होल कर लेते हैं ताकि आसानी से लग जाए इसका। एक्चुअली अभी हम ना जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं सिर्फ एक तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे जहाँ भी फॉल्ट हो, अगर डाइवोर्ट का फॉल्ट है, कैसेटर का फॉल्ट हो, तो दो तरह का बस फॉल्ट हम अभी कर रहे हैं। बाकी पार्ट्स अभी हमारे पास है नहीं। इसकी वैल्यू है IN 539, सॉरी 5399 वैल्यू इसकी लगाते हैं इसके जगह पर। हमारे पास 5000, हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस पड़े तो हैं डायोड, डायोडों की वैल्यू चेक कर लेते हैं। ये पड़ा है 5399 का भी पड़ा है और ये 4007 का भी पड़ा है। फिलहाल हम 5000, जब हमारे पास डायोड है सेम वैल्यू की, तो इसी को लगाते हैं। वैसे ब्रिज रेक्टिफायर बनाने के लिए दूसरी वैल्यू तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होता उससे खास। एम्प का दिक्कत होता है और कोई दिक्कत नहीं होता। एम्प डाउन हो जाता है वैल्यू डाउन करने पे। ये हमारा पूरा ब्रिज रेक्टिफायर फूक गया था, देख रहे हैं सर्किट फूक गया पूरा ब्रिज रेक्टिफायर जलने की वजह से। ये हमारा रेक्टिफायर बन गया।